Hi friends, how are you all? I hope all of you will be good. This is Jagriti. So friends, today we are discuss about of urethra. So excretory system में हम लोग urethra के बारे में आज पढ़ेंगे. So let's start. Friends, first of all urethra के briefly introduction देख लेते हैं. So urethra एक small tube like structure होता है एंड जो कि यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट रहता है एंड बॉडी के एक्सटीरियर प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज जो डायमीटर होता है यूरेथ्रा का, जो फ्रेंड्स यूरेथ्रा का डायमीटर होता है वो 6 mm होता है. बट द लेंथ ऑफ यूरेथ्रा, जो यूरेथ्रा की लेंथ होती है वो वेरियस होती है मेल एंड फीमेल में. मीन्स मेल में अलग होती है इसकी लेंथ यूरेथ्रा की एंड फीमेल में यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है वो उसका साइज़ अलग होता है. नेक्स्ट जो फ्रेंड्स यूरेथ्रा इज़ प्रोटेक्टेड बाय 2 sphincter. यूरेथ्रा जो होता है वो 2 sphincter से प्रोटेक्ट रहता है, इंटरनल यूरेथ्रा स्पिंक्टर एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रा स्पिंक्टर. फ्रेंड्स जो इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर होता है इट इज़ अ इनवॉलेंट्री इन एक्शन. जो इसके एक्शंस होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं. एंड जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर होता है इसके एक्शंस जो होते हैं वो वॉलेंट्री होते हैं. दिस इज़ वॉलेंट्री इन एक्शन. सो नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मेल यूरेथ्रा एंड फीमेल यूरेथ्रा. सो मेल यूरेथ्रा जो होता है कंपेरिजन टू फीमेल यूरेथ्रा लॉन्ग होता है. मेल यूरेथ्रा लॉन्ग होता है एंड फीमेल यूरेथ्रा जो होता है वो शॉर्ट होता है. सेकेंड जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो मेल यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है वो 18 to 20 cm होती है एंड जो फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ होती है वो 4 cm होती है. एंड नेक्स्ट जो फंक्शंस होते हैं मेल यूरेथ्रा के यूरिनाइजेशन में एंड इजाकुलेशन ऑफ सीमेन एंड यूरिनेशन में वर्क होता है मेल यूरेथ्रा का. सो मेल यूरेथ्रा जो होती है यूरिनेशन मींस यूरिन को पास आउट करना, एक्सपेल आउट करना या सिक्रेट करना, और इजाकुलेशन ऑफ सीमेन मींस सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, सीमेन इजाकुलेट होता है बाय मेल यूरेथ्रा. एंड जो फ्रेंड्स फीमेल यूरेथ्रा होता है इसके फंक्शंस ओनली यूरिनेशन में ही होता है, मतलब यूरिन को पास करना. नेक्स्ट जो कोर्स होता है, कोर्स में क्या है, मेल यूरेथ्रा जो है वो कर्व्ड होता है डबल एंड जो फीमेल यूरेथ्रा होता है वो नियरली स्ट्रेट होता है. नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स मेल यूरेथ्रा. सो मेल यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है वो 18 to 20 cm होती है. एंड ये पास कैसे होता है, एक्सटेंड कैसे होता है, कहाँ तक फैला होता है कैसे. सो एक्सटेंड होता है इंटरनल यूरेथ्रा ऑरिफाइस से जो कि ब्लैडर में है. तो इन ब्लैडर में इंटरनल यूरेथ्रा ऑरिफाइस से एक्सटेंड होता है एंड देन ये जो ग्लैंड पेनिस के टिप पे जो एक्सटर्नल यूरेथ्रा ऑरिफाइस है यहाँ तक एक्सटेंड एंड देन ये स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट पास आउट होता है. फिर ये नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर में इमर्ज करता है. देन ये इंटर करता है प्रोस्टेट ग्लैंड में एंड प्रोस्टेट के थ्रू पास होकर के ये यूरोजेनाइटल डायफ्राम में आता है एंड देन इंटर करता है बल्ब ऑफ द पेनिस एंड देन बॉडी ऑफ द पेनिस में इंटर करता है. फाइनली ये ओपन हो जाता है ग्लैंड्स ऑफ पेनिस, टिप ऑफ द ग्लैंड्स पेनिस, ग्लैंड्स पेनिस के टिप पे फाइनली ये ओपन हो जाता है. एंड फ्रेंड्स देख लेते हैं फीमेल यूरेथ्रा के बारे में. सो फीमेल यूरेथ्रा जो होती है वो 4 cm लॉन्ग होती है एंड 6 mm इसकी विड्थ होती है. मीन्स जो लंबाई होती है वो 4 cm होती है फीमेल यूरेथ्रा की एंड जो विड्थ होती है वो 6 mm होती है. नेक्स्ट होमोलोगस टू प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. जो प्रोस्टेट फ्रेंड्स जो होमोलोगस मीन्स होता है हैविंग अ सेम ऑर्गन्स एंड नेक्स्ट इट बिगन्स फ्रॉम इंटरनल यूरेथ्रा ऑरिफाइस एंड पासिस डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड. फ्रेंड्स ये जो पास आउट होता है ये बिगनिंग इसकी होती है फीमेल यूरेथ्रा की इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफाइस से एंड देन पास होता है ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ एंड फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ. नेक्स्ट जो ओपनिंग होती है फीमेल यूरेथ्रा की वो वेस्टिब्यूल में इसकी ओपनिंग होती है बिटवीन क्लाइटोरिस एंड वजाइनल ऑरिफाइस.
फीमेल यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है वो वेस्टिब्यूल में होती है क्लाइटोरिस एंड वजाइनल ओरिफाइस के बिटवीन। नेक्स्ट जो एक्सटर्नल यूरेथ्रा की ओपनिंग जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द ग्लैंड क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस ट्रेंस जो होता है होमोलोगस ऑर्गन होगा ऑर्गन होता है टू द पेनिस। पेनिस का होमोलोगस ऑर्गन होता है। फ्रेंड्स देखते हैं आर्टरी सप्लाई। सो आर्टरी सप्लाई ये देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। सो जो आर्टरी सप्लाई यूरेथ्रल आर्टरी के द्वारा होती है इंटरनल प्यूडेंजल आर्टरी के द्वारा। एंड जो डॉर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस पेनिस से जो सप्लाई होती है वह इंटरनल प्यूडेंजल आर्टरी के द्वारा। ये फ्रेंड्स हम लोग आर्टरी सप्लाई देख रहे हैं मेल यूरेथ्रा की, जो मेल यूरेथ्रा है उसकी आर्टरी सप्लाई देख रहे हैं। सो आर्टरी सप्लाई यूरेथ्रा आर्टरी के द्वारा जो इंटरनल प्यूडेंजल आर्टरी के द्वारा होती है। एंड डॉर्सल जो होता है वो इंटरनल प्यूडेंजल आर्टरी के द्वारा सप्लाई होती है। एंड जो बेनस ट्रेंच होता है वो बाई डॉर्सल वेन ऑफ द पेनिस, जो पेनिस की डॉर्सल वेन होती है इंटरनल प्यूडेंजल वेन के द्वारा होती है बेनस सप्लाई। एंड इसको प्रोस्टेट बेनस प्लेक्सिस। नेक्स्ट जो पोस्टीरियर यूरेथ्रा होता है वहाँ पे जो बेनस जो वेनस सप्लाई होती है वो होती है बेनस प्लेक्सिस प्रोस्टेट एंड वेस्कल्स के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स फीमेल यूरेथ्रा आर्टरी सप्लाई। सो इसमें आर्टरी सप्लाई जो होती है वो सुप्रियो वेसिकल आर्टरी के द्वारा होती है। एंड जो बेनस एंड दूसरी नेक्स्ट इज वजाइनल और आर्टरी। फर्स्ट जो होती है वो सुपीरियर वेसिकल आर्टरी के द्वारा आर्टरी सप्लाई होती है। एंड सेकेंड वजाइनल आर्टरी के द्वारा आर्टरी सप्लाई होती है। और जो वेनस सप्लाई होती है वो वेसिकल वेनस प्लेक्सिस के द्वारा होती है जो कि इंटरनल प्यूडेंटल वेन के द्वारा। एंड लिम्फेटिक जो होता है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड के द्वारा। नर्व सप्लाई जो होती है वो सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक एंड सोमेटिक नर्व के द्वारा होती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं द यूरेथ्रा कंसिस्ट्स ऑफ थ्री कोर्ट्स। सो यूरेथ्रा होता है वो थ्री लेयर से थ्री कोर्ट से कंसिस्ट होता है आउटर लेयर मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है वो मस्कुलर लेयर की बनी हुई होती है मिडिल लेयर सब म्यूकोशा इनर लेयर म्यूकोशा। फंक्शंस जो होते हैं ये जो यूरेथ्रा होता है वो पैसिव सर्व करता है एज अ पैसिव वे एंड यूरिन को डिस्चार्ज करता है यूरिनरी ब्लैडर से। यूरेथ्रा का फंक्शन है जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को डिस्चार्ज करना। और मेल में फ्रेंड्स जो यूरेथ्रा का वर्क ये भी होता है एक तो यूरिनेशन का वर्क होता है एंड सेकेंड इज ये सीमेन को भी यूरेथ्रा के द्वारा सीमेन भी ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स बाहर आता है। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।